नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं गरिमा गौर। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। रूस ने कश्मीर को बताया भारत का आंतरिक मामला, कहा अनुच्छेद 370 हटाना सरकार का अधिकार। कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर के पहले हफ्ते में करेगा सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। आगामी निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने शुरू की तैयारी, पीसीसी में हुई अहम बैठक, छाया रहा धारा 370 का मुद्दा। राजस्थान विश्वविद्यालय की कमान संभालेंगी एनएसयूआई की बागी पूजा वर्मा, लगातार चौथी बार निर्दलियों ने फहराया परचम। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के भारत के फैसले का रूस ने फिर समर्थन किया है। भारत में रूसी राजदूत निकोलेव कुदाशेव ने कहा कि ये भारत सरकार का संप्रभु निर्णय है, भारत का आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा सभी मुद्दों को शिमला समझौते और लाहौर घोषणा के आधार पर बातचीत के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। इससे पहले भी रूसी विदेश मंत्रालय कश्मीर को भारत का आंतरिक मामला बता चुका है। भारत में रूसी दूतावास के उप प्रमुख रोमन बाबुस्किन ने कहा कि रूस की भारत पाकिस्तान विवाद में कोई भूमिका नहीं है, जब तक कि दोनों देश मध्यस्थता नहीं पूछते। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस कर जवाब मांगा है। केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने के अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को 5 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया है, जो कि अक्टूबर को पहले सप्ताह से पहले सुनवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर में 370 हटाए जाने के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में करीब 14 याचिकाएं लगी हैं। इस मामले में सुनवाई के दौरान सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में कानून के छात्र मोहम्मद अलीम सैयद को लेकर उनके माता पिता से मिलने की इजाज़त दी। कोर्ट ने अलीम को अपने पिता से अनंतनाग में मिलने की इजाज़त दी। कोर्ट ने सरकार को अलीम सैयद की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद सीपीआई महासचिव सीताराम येचुरी जम्मू कश्मीर जाएंगे। येचुरी पूर्व विधायक मोहम्मद यूसुफ तारीगामी से मुलाकात करने के लिए गुरुवार को जाएंगे। न्यायालय ने येचुरी को उनके पार्टी सहयोगी मोहम्मद यूसुफ तारीगामी से मिलने के लिए जम्मू कश्मीर जाने की इजाज़त दे दी है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाए जाने के बाद प्राधिकारियों ने तारीगामी को हिरासत में ले लिया था। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की एक पीठ ने येचुरी को निर्देश दिया है कि जम्मू कश्मीर जाने के बाद वह सिर्फ तारीगामी से मिले। सीजेआई ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि येचुरी अपनी यात्रा का इस्तेमाल किसी भी राजनीतिक उद्देश्य से ना करें। पीठ ने कहा है कि अगर येचुरी किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होते हैं तो अधिकारी इस बारे में उच्चतम न्यायालय को बताने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार सरोवर बांध की तस्वीरें लोगों से साझा की। मोदी ने लोगों से गुजरात में बने इस बांध को देखने जाने की अपील की। उन्होंने उम्मीद जताई है कि वहां जाने वाले लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी भी देखने जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें ये बात बताते हुए खुशी है कि सरदार सरोवर बांध में जल स्तर ऐतिहासिक 134 मीटर पर पहुंच गया है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि रोमांचित कर देने वाली कुछ तस्वीरों को इस उम्मीद के साथ साझा कर रहा हूं कि आप इस प्रसिद्ध स्थल पर जाएंगे और स्टैचू ऑफ यूनिटी भी देखेंगे। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि स्टैचू ऑफ यूनिटी को इस वर्ष टाइम मैगजीन की 100 प्रसिद्ध स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने कश्मीर पर मंत्री समूह का गठन किया है। कश्मीर के लिए गठित मंत्री समूह में रविशंकर प्रसाद, थावरचंद गहलोत, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, नरेंद्र तोमर और धर्मेंद्र प्रधान हैं। ये समूह कश्मीर के विकास के लिए केंद्रीय मंत्रालयों की मदद का प्लान तैयार करेगा। इसका फोकस युवाओं के कौशल विकास पर रहेगा। सूत्रों के मुताबिक मंत्री समूह एक ब्लूप्रिंट तैयार करेगा जिसमें हर मंत्रालय के योगदान का जिक्र होगा जो कश्मीर विकास में अपनी भूमिका अदा कर सकता है। मंत्री समूह 31 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगा। इसी रिपोर्ट के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर के लिए विशेष पैकेज का ऐलान कर सकते हैं। इससे पहले मंत्री समूह 2 बार बैठक कर चुका है जिसमें युवाओं के कौशल विकास पर चर्चा की गई है। दिल्ली में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के स्थापना दिवस पर समारोह आयोजित हुआ।
समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये थर्ड डिग्री का युग नहीं है, हमें जांच के लिए वैज्ञानिक तरीकों को उपयोग में लाना पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तभी प्राप्त होगा जब देश की राष्ट्रीय सुरक्षा बरकरार रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। इसके लिए देश की सुरक्षा बहुत जरूरी है, देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को बनाए रखने की आवश्यकता है। केरल में बाढ़ राहत कार्यों का जायजा लेने अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे राहुल गांधी। इस दौरान राहुल को एक अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा। अपनी कार में बैठकर मीडिया से बात कर रहे राहुल गांधी के पास अचानक एक लड़का पहुंचा और उनको किस कर लिया। लड़की की हरकत के बाद राहुल गांधी मुस्कुराने लगे। राहुल गांधी की सुरक्षा SPG करती है, इस तरह से एक लड़के का उनके पास पहुंचना सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर रहा है। वायनाड सीट से सांसद राहुल गांधी बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे। वायनाड के सेंट थॉमस चर्च में बने राहत कैंप में उन्होंने पीड़ितों का हालचाल जाना। एक और राहत कैंप में पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि वह केरल के मुख्यमंत्री तो नहीं है, लेकिन लोगों को उनका हक मिले ये सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है। जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान से किसी भी तरह की बातचीत करने पर भारत ने एक बार फिर करारा जवाब दिया। उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू ने कहा कि पाकिस्तान के साथ अब जम्मू कश्मीर को लेकर कोई बात नहीं होगी। पाकिस्तान के साथ अगर बात होगी तो सिर्फ पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी के गोल्डन जुबली समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति नायडू ने कहा कि हम किसी पर हमला नहीं करते, लेकिन जो हम पर हमला करेगा तो हम उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे। अगली खबर यूपी के रामपुर जिला स्वार कोतवाली क्षेत्र की है। यहाँ मुरादाबाद नैनीताल हाईवे के पास एक किन्नर की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की शिनाख्त नहीं हुई है। स्थानीय युवकों ने गन्ने के खेत में लाश पड़ी देख चौकी मासवासी और कोतवाली स्वार सूचना दी। सूचना पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बैठक में प्रमुख कांग्रेस नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। 53 जगहों पर निकाय चुनाव होने हैं, इस लिहाज से वहीं से जुड़े जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, विधायक, ब्लॉक और नगर अध्यक्षों की बैठक में भाग लिया। जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा में जल्द निकाय चुनाव होने हैं। गहलोत सरकार बनने के बाद पहले बड़े चुनावों से सत्ताधारी दल को जूझना है। सचिन पायलट ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से कहा गया है कि वे आम चुनाव नहीं है, इसलिए सभी को तैयारियों में जुट जाना चाहिए। हमारे राजस्थान में विधानसभा के भी 2 उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसकी तारीख अभी आई नहीं है, लेकिन संगठन की दृष्टि से उन दोनों जिलों में जहाँ चुनाव होंगे, झुंझुनू और नागौर, वहाँ पर संगठन ने अपना काम चालू किया है। लेकिन आज आप सब लोगों को आमंत्रित करने का जो विशेष मुद्दा था वो आपकी राय जानने के लिए कांग्रेस पार्टी के हमारे जो प्रभारी हैं जिलों के और विधानसभा क्षेत्रों के, उनको सक्रिय करने के लिए, और हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रत्येक क्षेत्र जहाँ चुनाव होगा वहाँ पर हम लोग प्रभारी भी भेजेंगे। लॉटरी कब निकलेगी, कौन वहाँ से चुनाव करेगा, वो एक बात का सिलसिला है, लेकिन संगठन को, पार्टी को, जिला कांग्रेस कमेटी को, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को पहले से मुस्तैद रहना है। आज से 5 साल पहले के चुनाव हुए थे, उस टाइम हम सत्ता में नहीं थे, बावजूद उसके हमारी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी पूजा वर्मा ने बाजी मारी। राजस्थान यूनिवर्सिटी में लगातार 3 साल बाद इस बार भी निर्दलीय प्रत्याशी पूजा वर्मा छात्र संगठनों पर भारी पड़ गई। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनावों में मुकाबला इस बार दोनों छात्र संगठनों ABVP और NSUI के बीच नजर आ रहा था, लेकिन अध्यक्ष पद पर बात करें तो इस बार 5 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन मुकाबले में ABVP के अमित बड़बड़वाल और NSUI के उत्तम चौधरी को NSUI की बागी प्रत्याशी पूजा वर्मा ने कड़ी टक्कर देते हुए करारी शिकस्त दे दी। उपाध्यक्ष पद पर NSUI की प्रियंका मीणा, महासचिव पद पर NSUI के महावीर गुर्जर और संयुक्त सचिव पद पर ABVP की किरण मीणा विजयी रही। आज के लिए बस इतना ही, बने रहें द एंगल के साथ। नमस्कार।